ऑलरेडी आप यूपी से विधायक हैं, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आपको संसदीय क्षेत्र में उतारा जा रहा है? देखिए, मैं पहले मुंबई में था। मुंबई में मैं 25 साल से कांग्रेस का काम किया और यहाँ की समस्याओं के विषय में मैं बहुत कुछ जानता हूँ। यहाँ की बहुत सी जो टेक्नोलॉजी थी मैंने अखिलेश जी को बताया, खास करके एम्बुलेंस के मामले में लेकर के। और भी चीज़ें थी, जैसे बाला साहब ठाकरे के टाइम में उन्होंने झुनका भाकर की स्कीम निकाली थी नौजवानों के लिए, ये स्कीम की भी चर्चा मैंने अखिलेश जी की है। और यहाँ पे जैसे झुग्गी झोपड़ियों वालों को 40 लाख का सपना बाला साहब ठाकरे ने देखा था कि लोगों को घर मिले, ये भी स्कीम मैंने अखिलेश जी से चर्चा की। जब मैं वहाँ पर विधायक बना, दो बार मैं बन चुका, तो जब यहाँ की बात निकली और अखिलेश जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उन्हें अपने पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाना था, तो राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए किसी न किसी को तो आगे बढ़ना था। तो उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी कि तुम मुंबई शहर से बिलोंग करते हो और मुंबई में हमारे उत्तर भारतीय बहुत ज़्यादा हैं और मुंबई में उत्तर भारतीयों के लिए मैं बहुत कुछ करता हूँ, चाहे भोजपुरी फिल्मों को लेकर के, चाहे भोजपुरी समाज को लेकर के, या इनकी कोई भी समस्या आती है तो वो मैं यहाँ भी समाधान करता हूँ और यूपी में भी समाधान करता हूँ। तो यहाँ के लोग मुझे बहुत जानते हैं, एक सुभाष पासी चेहरा या नाम अनजाना नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी कि मैं समाजवादी पार्टी के परचम को यहाँ लहराऊं और समाजवादी पार्टी आगे और बढ़ सके, ताकि हमारा कोई एक सांसद चुन करके संसद में जाए। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि एक मौका आप लोग मुझे दीजिए, ताकि मैं आप लोग की समस्याओं का समाधान कर सकूँ। मुंबई एक बहुत बड़ा शहर है और पूर्वांचल के लोग बहुत ज़्यादा यहाँ रहते हैं, 2000 किलोमीटर दूर से आकर के मुंबई शहर और महाराष्ट्र में गुजर बसर करते हैं। मैं महाराष्ट्र की धरती को सलाम करता हूँ, मुंबई की धरती को सलाम करता हूँ कि यहाँ से लोगों की जीविका चलती है। जो हमारे उत्तर प्रदेश के उत्तर भारतीय भाई, बिहारी भाई, पूर्वांचल के जो लोग आते हैं, चाहे वो दूध बेचते हैं, केला बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, मिल में काम करते हैं, व्यापार करते हैं, 10x10 के घर में रहते हैं, ये सारे के रूम में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, लेकिन हर महीना कमा करके लाखों का मनी ऑर्डर उत्तर प्रदेश में भेजते हैं। तो मैं इस धरती को सलाम करता हूं कि जो हमें रोजी रोटी देती है। उत्तर प्रदेश के हमारा भाई जो यहाँ दूध बेचता है, लोग कहते हैं हमें कि ये खाली दूध बेचता है, लेकिन जब उसके घर में उसके बेटी की शादी होती है, उसके बेटे की शादी होती है, तो वैसी शादी करोड़पति की नहीं होती जैसा मेरे भाइयों की शादी होती है। मतलब कैसे, कौन से काम है जिसमें सरकार नाकाम रही? देखिए, एक तो बेरोजगारी को मामला है और दूसरी बात, आज जो मुंबई शहर में व्यापार है, धंधा बिजनेस है, डेवलपमेंट का है, वो सारे चीज़ों में सरकार अपने वादे से फेल हुई है। जो उन्होंने वादा किया था कि हम ये करेंगे, 15-15 लाख लोगों को देंगे, नोटबंदी में जो हमारी बहनों ने पैसा छुपा के रखा था वो सारा का सारा पैसा बाहर आया, कहा कि 15 लाख काला धन हम वापस लाएंगे, काला धन तो वापस नहीं आया, बाकी जो बचा हुआ धन था वो काले लोग लेकर के विदेश चले गए हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, रोजगारी के लिए कहते कि करोड़ों लोग को हम रोजगार देंगे, वो चीज़ें नहीं हुई। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें सरकार नाकाम। सर, ये तो आम बात हो गई है कि जो भी पार्टी आती है चुनाव से पहले वादे करती हैं और लेकिन जब जीत जाती है तो फिर वादों से मुकर जाती है, उसके बारे में क्या बोलें? देखिए, मैं उसके विषय में ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहूँगा, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मैं उनमें से नहीं हूँ। चाहे नतीजा जो भी होगा, आज यदि ऊपर वाले ने या मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे मौका दिया है मुंबई शहर में, मैं परिणाम की चिंता न करते हुए, परिणाम का रिजल्ट 23 मई को आएगा, लेकिन मैं ये विश्वास दिलाता हूँ मेरे बहनों को, नौजवान साथियों को, कि अब मैंने यहाँ पे कदम रख लिया इनकी समस्याओं के समाधान के लिए, वो लड़ाई मैं लड़ूंगा। अब समाजवादी पार्टी का आज एमपी का प्रत्याशी खड़ा है, 6 महीने के बाद एमएलए का चुनाव होगा, उसमें 6 के 6 प्रत्याशी हमारे खड़े होंगे, उसके बाद जब कॉरपोरेशन का चुनाव होगा तो मेरी बहनों को भी मौका दूंगा कि मेरी बहनें भी खड़ी हों, ताकि हमारी पार्टी को खड़ा करने का मैं एक सुनहरा मौका जो मुझे मिला है उसको मैं गंवाऊंगा नहीं। और अब मैंने कदम रख लिया, बीड़ा उठा लिया है समाजवादी पार्टी का, तो उसके परचम को लहराने का मेरा काम है, ताकि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझसे विश्वास किया है, बहन मायावती जी ने विश्वास किया है, अखिलेश यादव एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिसकी चर्चा आज विरोधी भी करते हैं। उत्तर प्रदेश में जो उन्होंने काम किया, जो उन्होंने आगरा एक्सप्रेसवे बनाया है लखनऊ से, जिसके ऊपर 12-12 फाइटर प्लेन उतर जाता है, नोआ टेल के सामने मैं छठ पूजा निस्वार्थ भाव से कराता हूँ मेरे भाइयों के लिए, ताकि उस छठ पूजा में लाखों की संख्या में लोग आते हैं, पूरे परिवार के साथ आते हैं, लेकिन कोई बड़े बड़े नेता भी कराते हैं लेकिन वहाँ पे राजनीति करते हैं,
लेकिन मैं लोगों की सेवा करता हूँ। भले मैं विधायक उत्तर प्रदेश से हूँ, लेकिन मैं मेरी कर्म भूमि जो मैंने कार्य शुरू किया था छठ माता का पूजा का, वो आज तक भी मैं करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट से जाके ऑर्डर हम लोग ने लाया है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी सेवा करूँ, एक मौका आप लोग दीजिए। जय हिंद, जय समाजवाद, जय महाराष्ट्र। ठीक है, राष्ट्रीय सचिव हमारे साथ हैं, तो जानते हैं वो किन मुद्दों के लिए चुनाव लड़ेंगे, तो बताइए आप किन किन मुद्दों को उठाना चाहेंगे। देखिए, डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है, मुंबई वासियों की बहुत बड़ी समस्या है, सड़क, पानी, सफाई, जो कि अभी तक बिल्कुल ही नहीं हो पाई है। हम इसी मुद्दे पे लड़ेंगे कि मुंबई वासियों की समस्या को जल्दी से जल्दी दूर किया जाए, और किस तरह से दूर कर सकते हैं इसकी पूरी कोशिश करेंगे। जो फुटपाथ पर लोग सोते हैं, देखा होगा कितने एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं, उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे, वो भी हमारे समाज का हिस्सा है। ये फुटपाथ पे जो सो रहे हैं आज से नहीं, बरसों से सो रहे हैं, मगर सरकारें बहुत आई, शिवसेना, बीजेपी, कांग्रेस, सभी, मगर आज तक उन्होंने उनके लिए कुछ भी नहीं किया। हम चाहेंगे एक बढ़िया सा प्लान करके इनको, इन लोगों के लिए एक अलग सी जगह दिया जाए, जहाँ पर ये अपना धंधा व्यापार शांतिपूर्वक कर सके, अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, इसके लिए एक कोई बड़ी योजना तैयार की जाएगी। आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, और मेरे उन भाइयों को ये मैं संदेश देना चाहूँगा कि आज तक किसी ने उनकी आवाज़ को नहीं उठाया, लेकिन ये आवाज़ मैं ज़रूर उठाऊँगा। जैसे मेरे भाई महेंद्र जी ने कहा कि उनके लिए कोई डेवलपमेंट प्लान या बहुत सी अच्छी योजना होनी चाहिए, तो जैसे इन्वेंट्री होती है, जैसे सारे स्कीम में सबका एनेक्चर बनता है, तो जिस जिस फुटपाथ के ऊपर यदि ऐसे लोग बरसों से रह रहे हैं, तो उनके लिए भी रिहेबिलेशन का काम किया जाए, और उनके लिए जैसे इस कार्य SRA स्कीम में PAP दिया जाता है, प्रोजेक्ट इफेक्टेड पर्सन, और उसके तहत सरकार के पास बहुत से घर हैं, ताकि मैं चाहूँगा कि उन घरों के लिए उनको पात्र समझ करके उनको उसमें सम्मिलित किया जाए, और ये योजना बहुत ही अच्छी रहेगी, ताकि आज जो फुटपाथ के ऊपर एक्सीडेंट होते हैं, उनके बच्चे रोड के ऊपर आ जाते हैं, तो उनकी इन्वेंट्री होकर के उनका एनेक्चर बनाया जाए और उनके लिए कोई योजना लागू। तो समाजवादी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है, चलिए उनसे सवाल करते हैं। गरीबी और बेरोजगारी के बारे में बताइए। गरीबी का हमेशा एक चरण स्तर होता है, कभी हमारे देश में 25 रुपये वार्षिक आय को भी सामान्य श्रेणी में रखा गया, आज हमारे हजारों में है। विषमता बड़ी है, गरीबी इतनी बड़ी गंभीर समस्या नहीं है। श्रम करने वाला व्यक्ति कभी गरीब नहीं होता है, कहीं ना कहीं श्रम शक्ति का उपयोग नहीं हो रहा है, इसलिए गरीबी की एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, क्योंकि श्रम शक्ति का उपयोग नहीं है। हमारे सुभाष भाई, हमारी समाजवादी पार्टी ने एक योजना बनाई, सोच बनाई है कि हर व्यक्ति को कुछ न कुछ कार्य मिले और श्रम शक्ति का उपयोग कर सके, वो हमारे घोषणा पत्र में आगे आएगा। हमारा एक ही उद्देश्य है कि गरीब कोई नहीं होता है, ऊपर वाले ने भी भेजा है कि जिसके पास दो हाथ, पांव, नाक, अगर पूरी शरीर सुधे तो गरीब नहीं है, वो कहीं ना कहीं अपनी शक्ति का उपयोग नहीं कर रहा है। हम ऐसा अवसर देंगे कि वो अपनी शक्ति का, श्रम शक्ति का उपयोग करे, गरीबी समाप्त हो। तो मैम, महिला सशक्तिकरण के लिए आप क्या करना चाहेंगे आगे? देखिए, वैसे तो हम लोग UP में काफ़ी काम किए हैं, तो हमारा ये मतलब यहाँ पर भी जारी रहेगा कि कुछ ना कुछ महिला के लिए हम उनके शिक्षा के लिए, जैसे घर पे जो काम करती हैं औरतें लोग, उनको मतलब जो पगार वो कम होता है या वो जो भी है, उनकी समस्या को सुनेंगे, उनकी समस्या के बारे में हम लोग काम करें शिक्षा के लिए। मैं सिर्फ दो ही बातों पर बोलना चाहती हूँ, जैसे भैया ने डेवलपमेंट के बारे में कहा, अगर देखा जाए तो भारत देश का या किसी भी देश का डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब ही हर एक नागरिक सुरक्षित हो, तो यहाँ पर हर एक नागरिक को सुरक्षा अगर मिलती है तो ही देश आगे बढ़ सकता है। लेकिन उस बारे में अगर हम लोग स्टडी करें तो भारत सुरक्षा के मामले में काफ़ी पीछे है, क्योंकि महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिलती है। और राम मंदिर के लिए क्या करेंगे? राम मंदिर का मुद्दा देखिए, वो जब इलेक्शन आता है राम मंदिर का मुद्दा वही हो जाता है। कहते हैं ना कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। जब चुनाव आता है, लोगों ने वादा किया था कि चुनाव से पहले हम मंदिर बनाएंगे, आज देश में सरकार आई आपकी, प्रदेश में सरकार आई आपकी, प्रधानमंत्री आपका, राष्ट्रपति आपका, 73 सांसद आपके, सारा देश आपके हाथ में है, उसके बावजूद भी मंदिर नहीं बना, तो इससे शर्म की बात और कुछ हो ही नहीं।